Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भिवंडी के लड़की को न्याय दिलाने के लिए आगे आए कई लोग। मैं तहर पटेल, MMDM न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते कुछ खास खबर की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं, भिवंडी के एक नाबालिग लड़की के साथ दो दरिंदों ने मिलकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया था। उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। वहीं पर भिवंडी शहर की पुलिस उस लड़की को न्याय दिलाने में ढिलाई बरत रही थी, और हमने खबर चलाने के बाद भिवंडी शहर की पुलिस अब हरकत में आकर उस लड़की के सपोर्ट में आ गई है। आइए देखते हैं उस लड़की के माता पिता ने और उस लड़की ने क्या कहा हमारे संवाददाता से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फडणीस, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ और MM टाइम्स की तरफ से। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी में। फिर एक बार आपको जो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बताई थी, पहले तो जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे चैनल की तरफ से उन्होंने हमारी जो न्यूज़ को, एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए कई जगहों पर उन्होंने फॉरवर्ड की है, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से। इसी के साथ हम आगे के प्रोसीजर को जानने के लिए फिर एक बार भिवंडी में हाजिर हुए। हाजरा खातून जो लड़की के साथ में, जिसको इंसाफ मिलने के लिए हम खड़े हुए थे, उसी लड़की के साथ में और उनके परिवार के साथ में, अब तक उनकी माँ यहाँ पर मौजूद नहीं थी कि उनसे हमने लास्ट टाइम बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो किसी रीज़न की वजह से वो यहाँ पर नहीं थे, वो आउट ऑफ गए थे। आज वो आ गए हैं, आज उनसे भी हम बात करते हैं क्या रीज़न था कि वो यहाँ क्यों नहीं थे, अब तक कि अपनी बेटी को कोऑपरेट करने के लिए और उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसके साथ क्यों नहीं खड़े थे। आइए बात करते हैं पहले तो उस लड़की से, जिसको इंसाफ मिलने के लिए, जिसको हर वक्त पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता था और उसे दिन दिन भर बिठाया जाता था, अब उसको प्रशासन का और पुलिस का कितना कोऑपरेट किया जा रहा है और उसको अब तक के इसका कितना केस आगे बढ़ गया है। आइए बात करते हैं उनके घर वालों से। आपका नाम? हाजरा खातून। हाजरा खातून, जैसे कि हाजरा, लास्ट टाइम आपने हमें बताया था कि आप लोगों को पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया जाता था, दिन दिन भर बिठाया जाता था, बिला वजह से, कोई रीज़न नहीं रहता था, फिर भी आपको बिठाया जाता था, क्या अब वैसे ही आपको बुलाया जाता है? जी नहीं, अब नहीं बुलाया जाता है। पहले जैसा आपको दिन दिन भर यहाँ पर बिठाया जाता था, वैसे अब बिठाते हैं? नहीं, अब नहीं बैठाते हैं। जैसा पहले टॉर्चर किया जाता था, आपको बयान बदलने कहते थे, वैसा कोई आपको चौकी में अब बोलते हैं? नहीं, अब नहीं बोलते हैं। तो आपको अब क्या बोलते हैं चौकी में? अब कुछ नहीं बोलते हैं, बस बोलते हैं अब तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अब चौकी वाले आपको बोल रहे हैं इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे लोगों को? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे पुलिस और प्रशासन का जो कोऑपरेट मिल रहा है उस चीज़ों के लिए आप क्या कहोगे? बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने सुना इस लड़की की ज़बानी कि वो अब बहुत खुश है कि उसको लोगों का और पुलिस का और प्रशासन का बहुत उसको कोऑपरेट किया जा रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है। आइए बात करते हैं उनकी माँ से। आपका नाम? माजदा खातून शेख। आप अब तक के कहाँ थे, जब तक कि तुम्हारी लड़की के लिए, जो इंसाफ के लिए जब लड़ना चाहिए था उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे, आपके जो हस्बैंड थे, उसके पापा थे, वही अब तक के लड़ रहे थे, सब जगह जा रहे थे, तो आप अब तक के क्यों नहीं थे यहाँ? जी मैं यहाँ नहीं थी, मैं गांव में थी। गांव में थे? जी गांव में थी। तो मेरे को धीरे धीरे न्यूज़ पे मेरे को समझ में आया, मैं यूट्यूब देखी तो मुझे पता चला कि मतलब आज ये हादसा मेरी लड़की के साथ में हो गया। तो मैं सोची कि जब इतना सब सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस वाले इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूज़ वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से, मतलब मैं बहुत परेशानी में कैसे कैसे करके आई हूँ, तो मैं सोची जब मेरे घर में ऐसी बात हो गई है तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं वहाँ से कैसे निकल के आई, मेरे को आने में लेट हो गया, फिर भी अल्लाह का शुक्र मनाती हूँ कि मतलब बहुत आई और मैं आज पहुँची, तो आप लोग से मतलब मुलाकात हुआ, फिर मतलब मुझसे बयान ली जा रही है, तो मैं बता रही जो भी हमारे पास हम बता दे रहे हैं आपको। और हमको इंसाफ चाहिए, हमारे बच्ची के साथ में भी इंसाफ चाहिए, जो हमारे बच्ची के साथ हुआ वो इंसाफ अगर मिलता है तो हमको मतलब तसल्ली होती है। क्या बोलूँ अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब मेरी बच्ची की इतनी सपोर्ट मिल रही है और हम लोग को भी इतना सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग से मिल के, मतलब कि इतना अच्छा हो रहा है हमारे साथ, हमको इंसाफ मिल रहा है, हमारे बच्ची के साथ इंसाफ हो रहा है और हमको इंसाफ चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।
सर, जैसे कि लास्ट टाइम हमारी आपकी यहीं इसी ऑफिस में बात हुई थी, तो आरपीआई के ऑफिस में, कि लास्ट टाइम आपको कोई कॉपरेट नहीं कर रहा था, कोई भी ना, अभी तक के आपके एफआईआर लेने के बाद भी, आरोपी को अरेस्ट करने के बाद भी उसको सज़ा नहीं मिल रही थी, क्योंकि आरोपी पुलिस का खबरी था ये सुनने में आया था। तो अब आपको पुलिस और प्रशासन का कितना कॉपरेट मिल रहा है? अब बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अब पुलिस और प्रशासन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और पहले इसी चैनल के माध्यम से जब मैं इसमें न्यूज दिया था तो नहीं मिल रहा था, लेकिन इस न्यूज में जब मैं अपना डाला तो उसके बाद से पुलिस का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है और पुलिस मेरा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है और पब्लिक भी मुझे बहुत ज़्यादा। अब आपका केस कहाँ तक के बढ़ गए? अब केस मेरा एकदम लास्ट डिसीजन पर है, कल आरोपी को बोले कि कोर्ट में लाया जाएगा और सजा होगी। सजा होगी ऐसा पुलिस वालों ने कहा है आपको? हाँ। अभी आरोपी कहाँ पर है? अभी बोल रहे हैं थाना कस्टडी में है। थाना कस्टडी में, ओके। तो अभी आप क्या लोगों के लिए मैसेज देना चाहोगे? अभी मैं लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे जावेद फारूकी साहब, हमारे एसीपी साहब, हमारे मुख्तार खान, वसीम अंसारी, और हमारे आपका फास शेख जिसके ऑफिस में हम बैठे हैं, तो इन्होंने लोगों ने मुझे मेरा बहुत कॉपरेट किया, बहुत मेरा सपोर्ट किया, इन्हीं के माध्यम से मुझे इंसाफ मिला। मैं इन लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना इनके पापा की भी ज़बानी के, अब जैसे पहले पुलिस और प्रशासन से उनको कोई हेल्प नहीं मिलती थी, अब उनको पूरी तरीके से हेल्प मिल रही है। फाज शेख जी से बात करते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने बोले थे कि हम उनको एडवोकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सीपी के ऑफिस में जाएंगे, जितना हो सकेगा हम उनको एंडिंग तक के उनका सपोर्ट करेंगे। आइए बात करते हैं क्या अब तक के ये केस का मुद्दा कहां से कहां तक के पहुंचा है। फाज जी, जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों ने हमें बताया था कि आप उनको एडवोकेट प्रोवाइड करने वाले थे, उनको कहीं से कोई कॉपरेट नहीं कर रहा था, तो आपने उनकी हेल्प करने के लिए आप आगे बढ़े थे, अब आप लोगों ने ये मुद्दा कहाँ तक के पहुँचा है और अब प्रशासन का और आप लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम एडवोकेट प्रोवाइड करेंगे, तो हमने एडवोकेट प्रोवाइड किया है। हमारे दो एडवोकेट हैं, एडवोकेट अब्दुल गनी और एडवोकेट पाटिल, ये लोग जो है इस केस से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो ले रहे हैं और कोर्ट में जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो उसके लिए वो इनको चाचा को हेल्प करेंगे। और लास्ट टाइम जब भी हमने आपसे बात की थी उस वक्त कॉपरेट नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि पुलिस कंफ्यूज रही हो, कि हो सकता है कि कुछ साजिश हो। देखिए, कैसा है कि उनके भी अपनी बंदिशें होती है, लेकिन अभी पिक्चर क्लियर है, पुलिस पूरा कॉपरेट कर रही है, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है और चाचा को जो है प्रॉपर इनके साथ में जो है सलूक हो रहा है, बच्ची के साथ में जो भी उसका स्टेटमेंट वगैरह है वो रिकॉर्ड किया गया है। अभी तक जो भी जानकारी हमको मिल रही है, जो भी हम देख रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। अब ये केस कहाँ तक के फिर भी बढ़ गए? देखिए, ये केस तो अभी जो है अभी कोर्ट में है और कोर्ट और पुलिस की जो प्रक्रिया है, अभी तो देखिए चार्जशीट जारी बाकी है और चार्जशीट जाने के बाद में फिर देखते हैं कि कोर्ट में क्या होता है। आप आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि लास्ट टाइम आम जनता तक के जो हमने मैसेज यहाँ से चलाया था, ये आम जनता तक के पहुँचने के बाद ही ये कहीं ना कहीं पुलिस लोग भी अपना जो काम जो करना चाहिए था उन्हें, तो वो अब वो उन लोग काम करने के लिए तैयार हुए, पहले नहीं थे, क्योंकि अब तक के आम जनता तक ये चीज़ें नहीं मालूम थी, ये चीज़ें सब चीज़ दबी हुई थी। अब आम जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो जो है जो भिवंडी की पब्लिक है, जिन लोगों ने जो इस मामले को सुनते ही रोड पे आए, उनका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ठीक है, जो भी हुआ उस वक्त लोगों का गुस्सा था, लोगों ने अपना गुस्सा निकाला, हो सकता है कि वहाँ पे पुलिस लेट हो गई हो जिसकी वजह से पब्लिक रोड पे आई, लेकिन मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आज जो है पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है और केस को सही ढंग से सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जो आरोपी हैं उनको उनकी सज़ा मिलेगी। जैसा कि आप लोगों ने सुना उस लड़की की ज़बानी, उसकी माँ की ज़बानी और उनके पापा की ज़बानी, कि अब पुलिस और प्रशासन का पूरी तरीके से कोऑपरेट किया जा रहा है और आरपीआई के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बात की है कि जो अब तक के इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उन्होंने किस तरह से अब उनको सपोर्ट किया है, उनको एडवोकेट प्रोवाइड किया है, जितना हो सके वो एंडिंग तक के उनका साथ देने का उन्होंने वादा किया है।
जैसे कि आपने देखा कि किस तरह लड़की के माँ बाप ने और उस पीड़ित लड़की ने, जो भी लोग उस लड़की के सपोर्ट में आए उनका शुक्रिया अदा किया। ऐसे ही आगे खबरें जानने के लिए देखते रहिए MM टाइम न्यूज़। हमें आपके साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।